जय श्री देव, जय श्री कृष्णा। हाजिर है आपकी गुरुवार रुक्मिणी फिर से आपके लिए आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के। इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है ये सारी चीजें बताऊंगी। बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं गुरु माँ हम प्रतीक्षित रहते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, उत्साह बना रहता है, वेट करते हैं कब आपका राशिफल आने वाला है और उसके हिसाब से ही अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। और जब हम आपको गाइड करते हैं, बताते हैं और आप उससे निर्णय को लेकर के अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आप आते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मेरी लाइफ का पर्पस जो है वो पूरा हो रहा है। इस बार जानने वाले हैं 5 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त के बीच में क्या होने वाला है हमारे साथ। 2 दिन आगे पीछे इस राशिफल को मान सकते हैं क्योंकि हम एनर्जीज को रीड कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। शनिवार और मंगलवार का बिना टोकन का जो दरबार है फिलहाल, क्योंकि दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है उसकी वजह से कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। और लाल मंदिर में जहां कार्यक्रम रखा जा रहा था वहां कांवड़ की व्यवस्था की जा रही है, श्रावण मास मनाया जा रहा है जिसके कारण अभी थोड़ा सा समय वहां पर लग रहा है। दोबारा से आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा जब भी शनिवार मंगलवार का जो दरबार है दोबारा से प्रारंभ किया जाएगा। गुरुवार को दरबार अभी भी लगता है, कभी कैंसिल नहीं होता है, लगता है, लगता था, लगता रहेगा। उसके लिए बुधवार को एक टोकन लेकर के फोन द्वारा, जो नीचे नंबर आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पे या अब आपकी स्क्रीन पे एक और नंबर आ रहा होगा, वहां पर कॉल करके बुधवार 4 से 6 आप टोकन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जिसका भी टोकन लगे आप जरूर आए, बिजी रहता है फोन, मैं मानती हूँ। अब लाखों लोग उस पर कॉल करेंगे और इतने सारे लोग एक दिन में आना चाहते हैं, व्यवस्था यहाँ मात्र अभी 50 की है तो थोड़ा समय तो लगेगा। भगवान जी से प्रार्थना करते रहिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जिसका टोकन नहीं भी आया आपको भगवान जी जरूर आपके कष्टों से निवृत्ति प्रदान करें। साथ ही बताना चाहूंगी 9 अगस्त को नागपंचमी है, उस पर कालसर्प दोष की पूजा का एक विशेष आयोजन किया जाएगा। कुछ यंत्र मैंने तैयार किए हैं जो कि उस दिन सिद्ध करके बांटे जाएंगे। मेष राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। बहुत समय से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप वो वेट कर रहे थे कि आपकी किस्मत कब बदलेगी, कब कोई चेंज आपकी लाइफ में आएगा। तो ये जो हफ्ता है कुछ ना कुछ चेंज जरूर ला रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रह बहुत ज्यादा आपको प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि शायद आपका लग्नेश मजबूत नहीं है या कुंडली में और कोई दोष है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चेंज ये हफ्ता आपको जरूर दिखाएगा और वो चेंज जो है वो पॉजिटिव ही होगा। आपको थोड़े जिज्ञासु भी होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैसेज है कि आपकी कोई दशा अंतरदशा चेंज हो रही है या हो सकता है गोचर में भी कोई ग्रह जो है जो नेगेटिव बहुत ज्यादा दे रहा था वो चेंज हो रहा है और अब आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट में लेकर के आएगा। कुछ लोग मुझे अपनी कुंडली बनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे प्रिडिक्शन की कोई किताब कहीं से मंगवाते हुए दिखाई दे रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंसेस में आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है और उससे रिलेटेड या यूनिवर्स से रिलेटेड आप कुछ चीजें सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं या कोई किताब मंगा सकते हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों को कहीं से अपने आप ही वो किताब प्राप्त हो जाए, कोई गिफ्ट कर दे, कहीं को आप मिल जाए। तो इस प्रकार से जो हफ्ते की स्टार्ट है वो दिख रही है। आगे अगर हम बढ़े आपके धन को लेकर के, तो धन में क्या है कि अगर आपने कोई सोचा हुआ था कि ये काम मुझे करना है और वो काम अगर आपके लिए नहीं हो रहा है इस हफ्ते तो आपको समझ जाना चाहिए क्योंकि ये एक इशारा होगा कि ये काम आपके लिए नहीं बना है या आप कोई और किसी गलत दिशा में जो है वो अपना कदम बढ़ाने जा रहे थे लेकिन आपको यूनिवर्स जो है भगवान जी जो है वो आपको रोकेंगे। तो उसके लिए निराश नहीं होना है। अगर धन का कोई प्लान वर्कआउट नहीं करता है इट इज 100% इन योर फेवर। जॉब रिलेटेड बात करें तो जॉब में जो है वो सुकून आएगा, शांति आएगी, आप जो करेंगे वो काफी ईज से कर पाएंगे, आपका काम जो है इस समय अच्छा होगा, क्रिएटिव होगा, आपको काफी सारे नए आइडियाज आ सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो 2 मिनट शांति से बैठ जाना आंखें बंद करके, बहुत सारे आइडियाज से आप बॉम्बार्डेड हो जाएंगे। तो एक अच्छा पीसफुल टाइम है जहां आप अपने वर्क में, अपने करियर में अच्छा, अपने जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कुछ छटाई आप किसी चीज की कर सकते हैं, या तो आप अपना स्टाफ छांट रहे हैं, या पुरानी कोई चीजें बेच रहे हैं, या पुराने कोई तरीके तौर तरीके जिससे आप काम कर रहे थे। कुछ लोग मुझे किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हुए या एक नया सॉफ्टवेयर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ेगी आपके काम में, पुरानी चीजों का बर्डन नहीं होगा, जो बहुत ज्यादा पुरानी चीजों पर खर्चा हो रहा था। कुछ लोग कोई अपने डेस्कटॉप या पीसी वगैरह भी मुझे चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो बर्डन बहुत ज्यादा आपको हो रहा था वो बर्डन कहीं ना कहीं आपकी छटनी करने से वो है कम होगा। कुछ लोग स्टाफ की भी छटनी कर रहे हैं, हो सकता है स्टाफ में कुछ फेरबदल भी आप कर लें, उन सब के लिए भी अच्छा है। अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी कार्यरत है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको आपके सीनियर्स के थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गलती नहीं है तब भी आपको सुनाया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, कि छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहिए, तो हफ्ता बहुत आराम से जो है वो गुजर जाएगा। एक भक्त से मैंने पूछा, क्या आप मानते हैं कि आपको कोई जानता नहीं, फिर भी आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है वो यूट्यूब के माध्यम से आपको बता सकता है? उन्होंने क्या कहा, चलिए जानते हैं। गुरु माँ की जय। जैसे इनका पता चला यहाँ आई, मेरे दिल में पूरा विश्वास था कि यहाँ पे आके मैं जरूर ठीक हो जाऊँगी। मेरी लेफ्ट लेग में और दसों में प्रॉब्लम थी, और मैं गुरु माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, अभी चल रहा है इलाज उसका। लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरी, और वो बहुत झगड़े करते थे। पहले हफ्ते में आते ही, अगले वीरवार में आई हूँ तो झगड़े बिल्कुल बेसर, कोई झगड़ा नहीं किया, बिल्कुल शांति थी। और अगले दो हफ्तों में आते हुए जो मेरे मन में इच्छा थी, जो मेरे मन में विचार थे उनके लिए, या उनकी संबंधित जो भी बातें थी मुझे, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, वो सारी पूरी हुई यहाँ पर आके। और मुझे विश्वास है कि मेरा आगे भी जो भी काम है जरूर माँ गुरु माँ पूरा करेंगी, और प्रभु की कृपा मेरे ऊपर रहेगी। और बाकी से थोड़ा सा इलाज जो चल रहा है, मेरी लेफ्ट लेग में पेन है और नसों में प्रॉब्लम है, गुरु माँ ने आशीर्वाद दिया है आगे जो भी ट्रीटमेंट करेंगी, और मुझे विश्वास है, मेरा पूरा पूरा विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। मैं विश्वास के साथ आ रही हूँ, आती रहूँगी, और मुझे इस दरबार से पूरी उम्मीद भी है, और ये दरबार भी से मेरे दिल से मैं दुआ करती हूँ, ये यहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी की तकलीफें जो भी हैं वो तो दुख दर्द मिटे। और यहाँ आकर इस बात की बहुत ही आनंदित हुआ, मन हर्षित हुआ कि एक रुपया नहीं यहाँ पर लगता किसी भी चीज़ का। पूरी ब्लेसिंग देती हैं, कोई जन्म जो कुंडली किसी की नहीं है तो वो भी बना के देते हैं, कुंडली को बिना पैसों के देखते हैं, और जो भी आशीर्वाद देते हैं, और यहाँ एक रुपया भी खर्च नहीं होता। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, तो माँ के दर्शन करते ही तो सारी थकान भी दूर हो जाती है और सारे कार्य भी पूरे होने शुरू हो जाते हैं। और इस दरबार से दिल से जुड़ी हूँ, मन से जुड़ी हूँ, और विश्वास के साथ जुड़ी हूँ, और मेरा विश्वास है कि सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और अवश्य होंगी। इस दरबार की सच्चाई है, इस दरबार की और गुरु माँ की सच्चाई है जो नज़र आती है, वो नज़र आती है हमें, अपने तकलीफ़ों को हम दूर होते हुए देखते हैं, महसूस होता है कि हम ठीक हो रहे हैं, तो विश्वास और ज़्यादा बन जाता है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय में आप अपने पार्टनर के फैमिली से मिल सकते हैं, या उन्हें अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, या बातचीत करवा सकते हैं, कुछ फैमिली बॉन्ड जो है वो बनता दिख रहा है। और अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप लोग एक दूसरे की फैमिली से मिलें या मिलाएं, तो हो सकता है कि फैमिलीज के बारे में इस हफ्ते में ज़्यादा डिस्कशन हो, आप अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करें, या आपके पार्टनर आपसे अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करें, तो वो एक ओपन एंडेड डिस्कशन जो है वो दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट में भी अगर उनके साथ कोई बात हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है उनके घर को लेकर के, वो भी वो शेयर कर सकते हैं, और वो शेयर करते ही वो उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, उन्हें बहुत रिलीफ होगा, हीलिंग फील होगा, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिएगा, उनको अच्छा लगेगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होते दिखाई दे रहा है, कुछ नया कुछ एक्साइटिंग हो सकता है, कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं या प्लान बना सकते हैं घूमने का, या बच्चे आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज लेके आ सकते हैं, मतलब कोई खुशियां दिखाई दे रही है, और बहुत अलग तरीके की अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस आपके घर में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है।
बात करें हम आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आप काफी स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा फंसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वीक में, कि कहीं स्टक हो जाएंगे, कहीं अटक जाएंगे आप अपनी एजुकेशन में। तो उसके लिए एक अच्छा मेंटोर, एक गुरु आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और किसी अच्छे मेंटोर को ढूंढिए तो आपको हेल्प कर पाए, नहीं तो थोड़ा सा आपके किसी सब्जेक्ट में आप फंसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत सुखद जाए, सुख शांति लेकर के आए। नागपंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं साथ दे रही हूँ, आशीर्वाद भी दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।